अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। NCTE Expert 31 दिसंबर 2021 यानी शुक्रवार को साल 2021 के आखिरी सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सोयाबीन में सुबह के कारोबारी सत्र में 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन सेकंड हाफ के कारोबारी सत्र में सोयाबीन में निचले स्तरों से खरीदारी भी लौटते दिखाई दी और कीमतें 6298 पर कारोबार करते दिखाई दी थी। मंडियों में सोयाबीन की आवकों में कमी देखने को मिली है। विदेशों में तेल तिलहन में तेजी आई है। मलेशिया में बाढ़ से पाम की फसल खराब हुई है, जिसका असर पूरे तेल तिलहन के बाजार पर भी दिखाई दिया। वहीं साउथ अमेरिका में खराब मौसम से सोयाबीन के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इन सभी के चलते सोयाबीन की कीमतों को छोटी अवधि में सपोर्ट मिलता रहेगा। विदेशों में नए साल पर कामकाज कम ही रहता है, क्योंकि वहां छुट्टियां रहती हैं, जिससे घरेलू तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट देखी गई। वहीं भारत में मार्च 2022 में सरसों की आवकें आनी चालू हो जाएंगी, जिससे तिलहन में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार सरसों का रकबा बढ़ा है, जिससे उत्पादन भी काफी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर UAE ने आयात प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे घरेलू व्यापारियों को वहां से सोयाबीन की डिमांड आने की उम्मीद है। वहीं बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक सोयाबीन पर उनका कहना है कि 2021 में सोयाबीन में काफी उठापटक देखने को मिली है, जो कि नीचे में 5000 तक भी जाती नजर आई थी और ऊपर में कीमतें 10000 से भी अधिक हो गई थी। 2021 में सोयाबीन पर सरकार के काफी फैसले भी देखे गए, जिसका प्रभाव हमने सोयाबीन की कीमतों पर भी पड़ते देखा था। 2021 के अंत में सोयाबीन ने NCDX पर 6200 के करीब की क्लोजिंग दी है। अमित सजेजा के मुताबिक साल 2022 सोयाबीन के लिए शुरुआत में थोड़ा खराब रह सकता है। उन्हें वायदा में सोयाबीन की कीमतें 4500 से 5000 से ज़्यादा नीचे जाती नहीं दिखाई देती हैं। सोयाबीन की कीमतों के लिए 4500 से 5000 तक का दायरा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन अमित सजेजा का ये भी मानना है कि सोयाबीन में अगर गिरावट रहेगी तो तेजी भी ज़रूर बनेगी। अमित सजेजा के मुताबिक सोयाबीन 2022 की शुरुआत के पहले 6 महीने में वायदा बाजार में 8000 तक के स्तर दिखा सकती है। और बात करें अगर एक साल के आउटलुक की, तो सोयाबीन 2022 में एक साल में 10000 तक के स्तर दिखा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।